दशम फॉल में लूटपाट करने वाले 5 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों में अफरोज अंसारी, तैसीफ खान, शहबाज खान, शकील खान और फरहान खान शामिल है। इनके पास से घटना में प्रयुक्त बाइक, लूटा गया DSLR कैमरा और 5 मोबाइल भी बरामद किया गया है। खूंटी से P3 न्यूज झारखंड के लिए गौरव कश्यप की रिपोर्ट। थाना अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें आवेदक संजय मुंडा जो सुनातु थाना क्षेत्र के निवासी हैं, उनके द्वारा ये सूचना दी गई कि दिनांक 26 तारीख को कुजराम पुल के पास वो अपने कुछ दोस्तों के साथ आए हुए थे और वो लोग फोटोग्राफी कर रहे थे। तभी कुछ अन्य 6 लड़के 3 मोटरसाइकिल पे वहाँ घटनास्थल पर पहुंचे और इन लोगों से मारपीट करते हुए इनका जो DSLR कैमरा है वो छीन कर वो लोग वहां से चले गए। और डर के भयवश इन लोगों ने 26 तारीख को ये सूचना नहीं दी और कल 29 तारीख को थाना में पहुंचे, उन्होंने सूचना दी। सूचना प्राप्ति के उपरांत थाना प्रभारी मांगा उनकी पूरी टीम के द्वारा इस पूरे घटनाक्रम के उद्भेदन हेतु अलग अलग जगहों पर छापामारी की गई और जो भी सूचना प्राप्त हुई उसके आलोक में त्वरित कार्रवाई करते हुए सूचना थाना में प्राप्त होने के मात्र 3 घंटे के अंदर इस घटना में संलिप्त कुल 6 में से 5 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई और साथ में जो कैमरा इन लोगों ने लूटा था मारपीट करके घटनास्थल से, वो कैमरा भी इन्होंने किसी को बेचा था। फिर वहां से रात में छापामारी करी, कैमरे की बरामदगी हुई इनकी निशानदेही पर और जो 5 अपराध कर्मी गिरफ्तार हुए हैं वो सिलदा ग्राम खुटी थाना अंतर्गत एवं टुपुदाना के टुपुदाना ओपी अंतर्गत डूंडीगढ़ा गांव के निवासी हैं। इन लोगों में से किसी का भी पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, परंतु इन लोगों ने ये घटना उस समय आवेश में अंजाम दी है और कुल मिला के 6 में से 5 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार करने में एवं जो लूट का सामान है उसको बरामद करने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है।